हेलो दोस्तों, मैं अभिनव आपका स्वागत करता हूँ टीएसपीवी स्टडी चैनल में। दोस्तों, हमने लास्ट वीडियो में जाना था स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड क्यू क्यू रूट की वैल्यू ज्ञात करना और उस पर किस क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं, किस प्रकार से नहीं। तो दोस्तों, आज हम बात करते हैं चैप्टर के साथ में घातांक एवं कर्णी यानी इंडाइसेस एंड सरल। तो दोस्तों, हम बात करते हैं इंडाइसेस एंड सरल पर। हमारा न्यू टॉपिक होगा घातांक, घातांक यानी इंडाइसेस। इंडाइसेस कुछ नहीं है दोस्तों, घातांक यानी इंडाइसेस कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल कुछ नहीं है, बस समझने की बात है। यानी कोई संख्या हमारे पास x की पावर y के रूप में लिखी होती है तो ये हमारे पास घातांक कहलाती है। यानी घातांक y क्या है, y x की घात है जिसे घातांक कहते हैं। किसी संख्या के ऊपर जो घात लगी हुई होती है उसे ही घातांक कहते हैं, बस इतना जानते हैं और कुछ नहीं। दोस्तों, हम इसमें बात करते हैं घातांक कितने टाइप के होते हैं। घातांक घातांक बात करते हैं भागविधि घातांक, घातांकीय गुणनफल, घातांकीय गुणनफल, घातांकीय गुणनफल। दोस्तों, मैं कुछ नहीं, बस घातांकीय गुणनफल, इसमें कुछ नहीं। एग्जांपल दिए होते हैं किस प्रकार से होते हैं, क्या होते हैं, तो मैं बताऊंगा घातांकीय गुणनफल। हमने समझा घातांक क्या होता है, यानी किसी संख्या के ऊपर जो पावर लगी होती है यानी घात लगी हुई होती है उसी को हम घातांक कहते हैं। जैसे एक्स की पावर वाई है तो हमें क्या है, वाई वाई एक्स की घात है, वाई एक्स की घात है, पावर है जिसे हम घातांक कहते हैं, बस इतना जानते हैं। घातांकीय गुणनफल, घातांकीय गुणनफल, घातांकीय गुणनफल में क्या होता है, एक्स की पावर ए इंटू एक्स की पावर बी इंटू एक्स की पावर सी डॉट 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 एक्स की पावर एन। तो दोस्तों, कुछ नहीं है, बहुत ईजी, बहुत सिंपल है। दोस्तों, इतना करेंगे हम इसे, क्या करते हैं, यहाँ पर एक्स की पावर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी डॉट 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 डॉट, इतना करते हैं बस, ये हमारे पास आ गया। यानी कोई भी संख्या की पावर, कोई भी संख्या, यानी हमारे पास बेस सेम है, आधार, अगर हमारे पास आधार सेम है, आधार सेम है और उसकी पावर अलग अलग दे रखी है तो गुणनफल में क्या होता है, वो पावर ऐड होती है यानी सम हो जाती है, वो पावर सम हो जाती है। यानी हमारे पास बेस क्या है, यानी आधार क्या है, सेम है, एक्स है और एक्स की पावर ए बी सी है, अगर हम गुणनफल कर रहे हैं तो वो दोनों पावर क्या हो गई, सभी पावर जुड़ जाएंगी यानी सम हो जाती है, इतना मालूम होना चाहिए। दोस्तों, वही है, नेक्स्ट एग्जाम्पल इसमें लेते हैं, नेक्स्ट लेते हैं, मान लो हमने ले लिया एक्स की पावर ए वाई की पावर बी इंटू सी की जेड की पावर सी। दोस्तों, ये भी ले सकते हैं, कुछ नहीं है, बहुत ईजी, बहुत सिंपल। दोस्तों, अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, घातांक के भागफल। घातांक के भागफल हमारे पास क्या होता है, घातांकीय भागफल। दोस्तों, कुछ नहीं है, देखो घातांक की भागफल सेम है, वही है जो अभी तक करते आ रहा है। हमें मालूम है, हमें मालूम है एक्स की पावर क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं और एक्स की पावर बी लिख सकते हैं, ये हमारे पास घातांक हो गया। इसे किस रूप में लिख सकते हैं, एक्स की पावर ए, एक्स की पावर ए डिवाइड बाई एक्स की पावर ए डिवाइड बाई वाई की पावर बी, इसे किस प्रकार से। अब इसी को हम दोस्तों किस प्रकार से लिखते हैं, हम जानते हैं कोई भी संख्या ऊपर में जाती है तो वो माइनस हो जाती है, पावर माइनस हो जाती है, यानी व्युत्क्रम नियम लग जाता है। एक्स की पावर ए इंटू भाग को इंटू में लाने के लिए वो क्या जाएगा, पावर माइनस में चली जाएगी, तो हमारे पास एक्स की पावर माइनस के बी हो जाएगी। तो हमारा इसका सॉल्यूशन निकल के आएगा एक्स की पावर ए माइनस के बी, जो मैंने पहले बता रखा है कि किसी भी सेम आधार वाली संख्या की पावर लगी होती है वो सब सम हो जाती है। सम होने के बाद यहाँ पे ए प्लस बी होगा, यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए ए माइनस बी हो गया। दोस्तों अब नेक्स्ट टॉपिक, यानी इस पर एग्जाम्पल इस तरह की जैसे पूछ किया जाता है, मान लो फाइव की पावर क्या है, सेवन है, फाइव की पावर सेवन में डिवाइड बाई फाइव की पावर थ्री। दोस्तों, कुछ नहीं करना है, बस वही देखना है। एग्जाम्पल दो, फाइव की पावर सेवन इंटू माइनस सॉरी फाइव की पावर माइनस के थ्री, क्या करना है, वही मैंने बताया था ऐड हो जाती है। तो फाइव की पावर सेवन माइनस के थ्री इजिकल टू क्या होता, फाइव की पावर फोर, आंसर आ गया। दोस्तों, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या है इसमें, कितना दिन लग रहा है सॉल्व करने, कुछ नहीं, कितनी भी देर नहीं। दोस्तों, हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं इसमें।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा घात की घात, घात की घात यानी किसी संख्या किसी आधार की पावर की पावर पावर की पावर दे रखी है। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, पावर की पावर दे चुके होते हैं, उसमें मल्टीप्लाई होता है, यानी हमारे पास एग्जांपल दे रखा है घात की घात में ए की पावर सॉरी एक्स की पावर ए की पावर बी की पावर सी की पावर डी दोस्तों हमें इस प्रकार से दे रखा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा की पावर नहीं है, एक्स की ये सभी पावर है, यानी क्या होगा इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी गुणा हो जाएगा दोस्तों। इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं एक्स की पावर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं दोस्तों, यानी एक्स की पावर ए इंटू बी इंटू सी इंटू डी, इस प्रकार से इसे हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास ये आ गया, हमें कोई एग्जाम्पल दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, मान लो टू की पावर एग्जाम्पल क्वेश्चन के प्रकार किस प्रकार से पूछा है, टू की पावर थ्री की पावर टू की पावर फोर। तो दोस्तों कुछ नहीं करना, आपस में इन सबका मल्टीप्लाई कर देना है, यानी टू की पावर क्या आ जाएगी थ्री इंटू टू इंटू फोर, चार दूनी आठ, आठ की है चौबीस, टू की पावर क्या आ जाएगी 24 आंसर दोस्तों इतना आएगा और कुछ नहीं। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें की पावर हम इसे ये नहीं बना सकते, यानी इस वैल्यू को ये नहीं बना सकते x की पावर a की पावर b की पावर c की पावर d, ऐसा कुछ नहीं लिख सकते हैं, ऐसा वैलिड नहीं होगा कुछ भी। x की पावर a इंटू बी इंटू सी इंटू डी हमारे पास ये वैल्यू मिल जाती है, इस वैल्यू के अकॉर्डिंग ही हम करते हैं दोस्तों। की पावर तो घात की घात में बात कर रहे हैं यहाँ पर। और दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ मैं, नेक्स्ट बात करता हूँ गुणनफल की घात। दोस्तों गुणनफल की घात से मतलब होता है यानी किसी भी संख्या की पावर सेम होना, किसी भी नहीं जितने हम गुणनफल कर रहे हैं मल्टीप्लाई कर रहे हैं उन सब की पावर सेम है। मान लो हमारे पास a की पावर a इंटू बी इंटू सी की पावर क्या दे रखी है x, तो हम इसे किस प्रकार से लिख सकते हैं a की x इंटू b की x इंटू c की पावर x, इस प्रकार से लिख सकते हैं। यही होता है हमारा गुणनफल की पावर यानी गुणनफल की घात, गुणनफल की पावर यानी पावर ऑफ मल्टीप्लीकेशन। दोस्तों कुछ नहीं करना, इस पे एग्जांपल इस प्रकार से कुछ नहीं है, बहुत इजी बहुत सिंपल एग्जांपल, बस हमें आना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना है। a की पावर x इंटू b की पावर x इंटू c की पावर x, एग्जांपल पूछिए हमसे 2 इंटू 3 इंटू 4 की पावर 5, तो दोस्तों हमें सॉल्यूशन क्या मिलेगा 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 5, ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। इतना करना है बस, ये आना चाहिए कि क्या दे रखा है क्या नहीं। इस पर दोस्तों हम नेक्स्ट देते हैं, हमारा नेक्स्ट होगा व्युत्क्रम का नियम, हमारा होगा ना नेक्स्ट व्युत्क्रम का नियम, व्युत्क्रम का नियम। व्युत्क्रम के नाम में क्या होता है, हमें दे रखा है a की पावर x का यानी a की पावर x का व्युत्क्रम ज्ञात करना है, a की पावर x का व्युत्क्रम ज्ञात करना है दोस्तों। कुछ नहीं है, मैंने क्या कहा जो नीचे में आ जाएगी उसकी पावर माइनस में चली जाएगी, अगर नीचे वाली ऊपर जाती है तो उसकी पावर माइनस में। तो दोस्तों कुछ नहीं, a की पावर माइनस एक्स इतना लिख लेते हैं और कुछ नहीं है। अगर हमें दे रखा है a की पावर माइनस एक्स तो इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/a की पावर x, इतना होता है दोस्तों और कुछ नहीं करना, बस सोचना देखना क्या है क्या नहीं है। अभी मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ क्या होता है क्या नहीं होता है, नेक्स्ट बात करूंगा क्वेश्चंस किस टाइप से पूछे जाते हैं किस टाइप से नहीं। दोस्तों ये तो हो गया हमारा व्युत्क्रम का नियम, नेक्स्ट एग्जांपल में हम दूसरा टॉपिक और ले लेते हैं। दूसरा टॉपिक मान लो a/b की पावर क्या है एक्स दे रखा है, हमें इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना है। व्युत्क्रम ज्ञात करने के लिए क्या हो जाएगा b/a की पावर क्या हो जाएगा माइनस की एक्स,
दोस्तों इतना करना है और कुछ नहीं करना, बस मतलब व्युत्क्रम संख्याओं को पलटना, ऊपर की नीचे नीचे की ऊपर करना, और फिर माइनस के साथ में पावर जो आ रही है उसको माइनस के साथ में लेकर के। दोस्तों ये तो हो गया हमारा व्युत्क्रम का नियम। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम दोस्तों हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा व्युत्क्रम घात का नियम। व्युत्क्रम घात का नियम दोस्तों करना क्या, कुछ भी नहीं है। व्युत्क्रम घात का नियम वही जो अब तक करते आ रहे हैं। हमें मान लो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू, हमें एग्जांपल दे रखा है ए की पावर एक्स इज इक्वल टू क्या दे रखा है बी। तो ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इज इक्वल टू बी की पावर वन बाई एक्स, यानी घात का व्युत्क्रम। घात का व्युत्क्रम यानी घात क्या होती है कि हमारे ऊपर ए की पावर एक्स लगी है, उसे हमें यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ए की वैल्यू फाइंड करने के लिए बी की पावर क्या हो जाएगी वन बाई एक्स, यानी जो पावर दे रखी है वो वन बाई एक्स। एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लो टू की पावर क्या दे रखी है हमें थ्री दे रखी है, टू की पावर थ्री सॉरी एक्स की पावर थ्री दे रखी है और इज इक्वल टू में हमें दे रखा है टू, एक्स की पावर थ्री दे रखी है और इज इक्वल टू में टू दे रखा है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत ही चीज। तो हमें एक्स की पावर क्या आ जाएगी टू की पावर वन बाई थ्री, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों आंसर। इतना करना है, क्या करना है, इतना करना है एक्स की पावर थ्री दे रखी है हमें इज इक्वल टू में टू दे रखा है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी टू की पावर वन बाई थ्री। दोस्तों ये होता है व्युत्क्रम घात का नियम। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट सर्च यानी करड़ी, करड़ी पर बात करते हैं। हमारा करड़ी होगा यानी सर्च, सर्च सर्च का मतलब होता है किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना, यानी हमें कोई भी संख्या दे रखी है मान लो फोर दे रखा है, फोर का मतलब होता है यानी कर्ण, कोई ये फोर दे रखा है तो इसका मूल ज्ञात करना, इसका मूल क्या हो जाएगा दो। तो दोस्तों इसका मूल दो हो जाएगा। इसी प्रकार से हमें किसी भी कर्ण में दे रखी होती है मान लो ये ए ए बी सॉरी ए ए ये सब क्या है हमारा, ये सब क्या है हमारे पास सर्च, सर्च है ये हमारे पास करड़ी है। करड़ी करड़ी का मतलब होता है किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना, करड़ी करड़ी का मतलब होता है किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना, वर्गमूल करड़ी, वर्गमूल करड़ी। वर्गमूल करड़ी में क्या होता है हमारे पास, तो दोस्तों पास हम बात करते हैं वर्ग मूल करड़ी, वर्ग मूल, वर्ग मूल करड़ी, वर्ग मूल करड़ी में दोस्तों कुछ नहीं है। देखो रूट टू यहां कोई संख्या दे रखी है ए, तो क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू फाइंड करना है। तो इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आ जाएगा हमें इस प्रकार से, इस प्रकार से वर्गमूल करड़ी, वर्गमूल करड़ी का मतलब होता है किसी संख्या की पावर वन बाई टू, यानी इसे क्या लिख सकते हैं ए की पावर वन बाई टू। दोस्तों किसी संख्या की पावर वन बाई टू ये तो हो गया हमारे पास वर्गमूल करड़ी। हमें एग्जांपल दे रखा है, एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल रूट टू रूट सिक्सटीन, हमें टू रूट सिक्सटीन दे रखा है। इसका करड़ी, करड़ी याद करने के लिए क्या आ जाएगा हमारे पास चार आंसर आ जाएगा, चार आंसर आ गया दोस्तों, इतना आ गया। ऐसे प्रकार ऐसे नेक्स्ट बात करते हैं, हमारे पास वर्गमूल करड़ी हो गया, वर्गमूल करड़ी के बाद क्या हो गया हमारे पास क्यूब रूट करड़ी यानी घनमूल, घनमूल करड़ी यानी क्यूब रूट, क्यूब रूट सर्च, क्यूब रूट सर्च, क्यूब रूट सर्च का मतलब होता है यानी किसी संख्या की पावर थ्री, रूट थ्री, रूट थ्री ए की पावर वन बाई थ्री। एग्जाम्पल हमें दे रखा है, एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ भी ले लो कैसा भी, यानी ट्वेंटी सेवन, थ्री ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन का घनमूल ज्ञात करना है। दोस्तों किसी भी संख्या का मूल ज्ञात करना करड़ी कहलाता है। अब मान लो हमें ट्वेंटी सेवन दे रखा है, ट्वेंटी सेवन का घनमूल ज्ञात करना है, तो इसका घनमूल क्या हो जाएगा थ्री आंसर, यानी थ्री आंसर। दोस्तों क्या था, कुछ भी नहीं, बस देखना है कि क्या है क्या नहीं है। इसी प्रकार से बात करते हैं हम थर्ड टॉपिक, थर्ड टॉपिक है हमारा चतुर्थ मूल, चतुर्थ मूल, चतुर्थ मूल
कड़ी यानी फोर्थ रूट सर्च, इतना याद करना है दोस्तों। फोर्थ रूट सर्च का मतलब होता है फाइव फोर किसी भी ए, तो हमें क्या दे रखा है ए की पावर वन बाई फोर हो जाएगा इसकी वैल्यू। एग्जाम्पल एग्जाम्पल कुछ भी ले लो, एग्जाम्पल ले लिया हमने, एग्जाम्पल ले लिया हमने फोर सिक्सटीन, सिक्सटीन का कर्णी याद करना है चतुर्थ मूल में, चतुर्थ मूल में सिक्सटीन का कर्णी याद करना है। तो मैंने क्या कहा था किसी संख्या की पावर सोलह की पावर क्या हो जाएगा ये वन बाई फोर। दोस्तों क्या करना है इसे तोड़ लो, दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी सोलह, यानी क्या हो जाएगा इसे दो की पावर चार की पावर वन बाई फोर। दोस्तों कुछ नहीं है, इसे भी वही कर दो, दो की पावर फोर इंटू वन बाई फोर, फोर से फोर कैंसिल, क्या बचा टू आंसर हमारे पास, वैल्यू कितनी आ गई टू। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं, इसी प्रकार से हमारे पास काफी सारे सर्च है, काफी कई प्रकार के सर्च है। बस सर्च का मतलब होता है किसी भी संख्या का मूल याद करना, किसी भी संख्या का मूल याद करना सर्च कहलाता है हमारे पास। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल कुछ एग्जाम्पल पढ़ते हैं, इंपोर्टेंट एग्जाम्पल और यूजफुल ऑलवेज यूजफुल। तो दोस्तों एग्जाम्पल एग्जाम्पल लेते हैं हम, क्वेश्चन ये टॉपिक है इम्पोर्टेंट, इस पर हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप के क्वेश्चन पर। जब पूरी राशि करणी हो वेन ऑल वैल्यूज आर सर्च। तो दोस्तों कुछ नहीं है, एग्जाम्पल सॉरी हम फॉर्मूला लिखते हैं इसका, फॉर्मूला किसी संख्या पूरी संख्या कर लियो, यहां पर क्या ले लो एक्स प्लस के रूट एक्स। दोस्तों ये हमें दे रखा है डॉट इनफाइनाइट, हमें पूछा है इसमें इसमें बड़ी संख्या कौन सी है छोटी संख्या, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमें इम्पोर्टेंट ये है, हमें इम्पोर्टेंट ये है कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम हमेशा याद रखते हैं क्रमागत संख्या के रूप में तोड़ते हैं, यानी ऑलवेज क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनफल ज्ञात करते हैं हमेशा। दोस्तों हमें याद रखना रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स प्लस रूट एक्स इनफाइनाइट तक दे रखा है। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चनों में सबसे पहला पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी एक्स का क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनफल ज्ञात करते हैं। मैं बताऊंगा एग्जाम्पल लेकर के। नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या होता है, यानी क्रमागत गुणनफलों में क्रमागत गुणनफलों में बड़ी संख्या क्रमागत गुणनफलों में बड़ी संख्या धनात्मक और छोटी संख्या ऋणात्मक होती है। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं है, एग्जाम्पल लेता हूं अब, हमें दे रखा है फॉर्मूला रूट एक्स प्लस रूट एक्स इनफाइनाइट तक दे रखा है। मैंने पहला पॉइंट बताया क्रमागत संख्या के रूप में गुणनफल ज्ञात करना, यानी क्रमागत संख्या हमारी क्या होती है, क्रमागत संख्या क्या होती है हमारे पास, वो क्रमागत संख्या मैंने सबसे पहली क्लास में बताया था, क्रमागत संख्याएं एक दो तीन चार पांच ये सब हमारी क्रमागत संख्या होती है। दोस्तों इसी प्रकार से क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनफल ज्ञात करना, यानी x का क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनफल ज्ञात करना। क्रमागत गुणनफलों में बड़ी संख्या हमारी क्या होती है धनात्मक, और छोटी संख्या क्या होती है दोस्तों ऋणात्मक। दोस्तों हम बात करते हैं एग्जाम्पल की, हम एग्जाम्पल कोई भी ले लो, कुछ भी मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं,
12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 और ये हमारा इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक जा रहा है दोस्तों, कुछ नहीं है। हमने 12 को उठाया, हमारे पास 12 है, 12 को हमने लिया, यानी 12 का क्रमागत संख्या के रूप में गुणनफल, क्रमागत संख्या के रूप में गुणनफल क्या होगा, 4 × 3 यानी 4 × 12, एक संख्या के बाद एक संख्या आ रही है, यानी 3 के बाद 4 आ रही है। क्रमागत संख्या का मतलब होता है एक का डिफरेंस होना उनके बीच में, हाँ 4 और 3 के बीच में कितने का डिफरेंस है, एक का, क्रमागत संख्या के रूप में आ रही है। तो क्रमागत संख्या में यानी हमारे पास 4 क्या हो जाएगी, बड़ी संख्या है, बड़ी संख्या 4 क्या हो जाएगी हमारे पास, धनात्मक, और छोटी संख्या 3 क्या हो जाएगी, ऋणात्मक। दोस्तों कुछ था, कुछ भी नहीं, हमें बस इतना याद रखना है कि ये पॉइंट क्या दे रखा है, ये पॉइंट क्या दे रखा है, बस वैसे पूछता है कि इसमें से हमारी बड़ी संख्या क्या होगी, छोटी संख्या क्या होगी, या हमसे पूछ लिया है कि हमारे पास प्लस की वैल्यू मतलब प्लस धनात्मक वैल्यू कौन सी हुई और ऋणात्मक वैल्यू कौन सी हुई। दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल, दोस्तों अच्छे से समझ में आया होगा आपके फॉर्मूला, सबसे इम्पोर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसे कई बार पूछे जाते हैं, कई जगह पूछे गए हैं। दोस्तों हमारे पास फॉर्मूला है रूट एक्स प्लस रूट एक्स रूट एक्स प्लस में दे रखा है इनफाइनाइट तक। दोस्तों कुछ नहीं करना, बस देखते जाना है क्या है, प्लस इतना याद रखना, प्लस और माइनस की गलती होती है, प्लस दे रखा है, प्लस दे रखा है, मैंने अभी प्लस के ऊपर बताया, क्रमागत संख्याओं के गुणनफल ज्ञात करते हैं, यानी कोई संख्या हमारे पास एक्स है, एक्स का क्रमागत संख्या के रूप में गुणनफल ज्ञात करेंगे, उसके बाद क्रमागत गुणनफल होगा, बड़ी संख्या हमारी धनात्मक होगी और छोटी संख्या हमारी ऋणात्मक होगी। दोस्तों बात करते हैं, हम एग्जाम्पल हमने देख लिया क्या है, 12 ले लिया, 12 का क्रमागत गुणनफल क्या होगा, 4 × 3, बड़ी संख्या क्या हमारे पास 4 जो होगी धनात्मक, धनात्मक, छोटी संख्या क्या हमारे पास 3 जो होगी ऋणात्मक। दोस्तों बात करता हूँ नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करता हूँ, हमारे पास नेक्स्ट एग्जाम्पल है माइनस में लेकर के चलेंगे, माइनस में मान लो लेके चल रहा है, माइनस दोस्तों हमारे पास नेक्स्ट फॉर्मूला है, नेक्स्ट फॉर्मूला ये हो गया हमारे पास रूट एक्स माइनस अंडर रूट एक्स माइनस के अंडर रूट एक्स, इनफाइनाइट तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक, वही सेम क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनफल ज्ञात करते हैं, वही सेम क्रमागत संख्याओं के रूप में, क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनफल ज्ञात करते हैं। दोस्तों दूसरा पॉइंट है, क्रमागत गुणनफलों में बड़ी संख्या उल्टा हो जाएगा, यहां पर उल्टा हो जाएगा, बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास ऋणात्मक, और छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास धनात्मक, छोटी संख्या क्या हो जाएगी दोस्तों धनात्मक, छोटी संख्या धनात्मक यानी प्लस VE। दोस्तों इतना होना है, कुछ नहीं है, अगर हमारे प्लस में दे रखी थी और उनका क्रमागत गुणनफल ज्ञात करना था, क्रमागत गुणनफल ज्ञात करके बड़ी संख्या धनात्मक थी छोटी संख्या ऋणात्मक थी, यहां माइनस में वैल्यू दे रखी है, माइनस में फॉर्मूला दे रखा है, माइनस का मतलब है जो हमारे पास क्रमागत गुणनफल निकल के आएंगे उसमें से बड़ी संख्या तुम्हारी ऋणात्मक हो जाएगी और छोटी संख्या धनात्मक हो जाएगी। इतना करना, बस इतना याद रखना। एग्जाम्पल ले लेता हूं, इस पर एग्जाम्पल ले लिया मैंने 20 माइनस के रूट 20 माइनस के रूट 20 माइनस डॉट 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 इनफाइनाइट तक, इनफाइनाइट तक। दोस्तों कुछ नहीं करना है, वही 20 को उठाया, 20 का क्रमागत गुणनफल 5 × 4 होगा। दोस्तों मैंने क्या कहा था, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या 5 है तो क्या हो जाएगा ऋणात्मक, छोटी संख्या 3 है तो क्या हो जाएगा धनात्मक। बस दोस्तों हमें याद रखना है प्लस और माइनस, प्लस और माइनस की वैल्यू याद रखनी है। इसके बाद मैं अच्छे से, ये दोस्तों आपको समझ आ रहा होगा, बहुत अच्छे से समझ आ रहा होगा, अगर नहीं आ रहा है कोई दिक्कत है परेशानी है, ना किताबी रट्टा दिखा रहा हूँ ना कुछ है, बस समझाने के लिए पॉइंट लिख रहा हूँ, समझाने के लिए मैंने लाइन में काम खत्म कर दिया। क्रमागत संख्याओं के रूप में गुणनफल याद करना, क्रमागत संख्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 यानी
जिन संख्या के बीच में एक का अंतर आता है, जैसे यहाँ पर पांच और चार के बीच, पांच और चार के बीच कितने का डिफरेंस है, एक का डिफरेंस है, यानी क्रमागत संख्या है दोस्तों, क्रमागत गुणनफलों। फिर उसके बाद क्रमागत गुणनफलों की बड़ी संख्या, बड़ी संख्या को क्या लेते हैं ऋणात्मक और छोटी संख्या को धनात्मक। ये किसके रूप में हो रहा है, हमारा माइनस वाले में। अगर पॉजिटिव होता प्लस होता तो प्लस वाले में बड़ी संख्या को क्या लेते, धनात्मक, और छोटी संख्या को ऋणात्मक। दोस्तों नेक्स्ट पे बात करता हूं मैं। नेक्स्ट फॉर्मूला सबसे इंपोर्टेंट, कई बार इस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया, कई बार तो फॉर्मूला है हमारे पास, कई बार कई जगह देखा मैंने एग्जाम में देखे हुए, किसी संख्या या किसी करणी का अनंत बार गुणा दिया हो तो। दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें एक लाइन में क्वेश्चन खत्म कर दिया, किसी सकरणी यानी किसी करणी का अनंत बार गुणा दे रखा हो तो वही है सेम। मान लो ये कितना हमारे पास x√x दोस्तों ये हमें दे रखा है इनफाइनाइट तक। दोस्तों बस याद रखना है इसमें पूछ क्या रहा है, दोस्तों पूछ क्या रहा है, ये हमें इनफाइनाइट तक किसी करणी का अनंत बार, अनंत अनंत बार गुणा दिया हो, अनंत इनफाइनाइट टाइम तक गुणा दिया हो यानी मल्टीप्लीकेशन दिया हो, तो दोस्तों कुछ नहीं करना है। यहाँ पर हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, अगर अनंत बार गुणा दे रखा है तो हमारे पास x हमारा आंसर हो जाएगा। ये अनंत बार गुणा दे रखा है, आंख बंद करना है, देखना है क्या है, गुणा है कि प्लस है या माइनस है। प्लस माइनस के लिए वैल्यू बता दे, यहाँ गुणा दे रखा है, गुणा के लिए क्या होगा वही सेम वैल्यू रहेगी अनंत बार, यानी इनफाइनाइट बार। इनफाइनाइट टाइम क्या होगा x, इनफाइनाइट टाइम बार किसी के रिजल्ट का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है तो उसमें आंसर क्या होगा हमारे पास x, वही सेम आंसर निकल के आएगा, यानी वही गुणा दिया हो तो। वही संख्या हमारा उत्तर होगी। दोस्तों कुछ नहीं है, ये रहा फॉर्मूला, करना क्या है हमें देखना है, बस देख के आंसर टिक करना है। दोस्तों ये रहा फॉर्मूला, यानी √x(√x)√x इनफाइनाइट तक दिया हुआ है तो हमारा आंसर सीधे आंसर बनकर यानी मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, इनटू दे रखा है, तो क्या हो जाएगा हमारा वही संख्या हमारा आंसर हो जाएगी। एग्जाम्पल देता हूँ, इस पर एग्जाम्पल ज्यादा देर बात नहीं करूंगा। मान लो √2 √2 दोस्तों कुछ नहीं करना, डॉट इनफाइनाइट तक जाना है, हमारे पास आंसर क्या हो गया इसका, टू आंसर हो गया, आंख बंद करके टू आंसर हो गया। दोस्तों याद रखना, किसी करणी का अनंत बार गुणा दिया हो, किसी करणी का अनंत बार यानी किसी सर्च का इनफाइनाइट टाइम मल्टीप्लीकेशन दिया हो तो वही आंसर, वही जिस संख्या का हम मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं वही संख्या हमारा आंसर होगी। दोस्तों हम बात करते हैं नेक्स्ट, किसी संख्या का, किसी संख्या का सीमित सीमा तक गुणनफल, सीमा तक गुणा दिया हो तो। दोस्तों कुछ नहीं है, यानी किसी करणी का, किसी करणी का सीमित सीमा तक, किसी करणी का सीमित सीमा तक गुणा दिया हो तो हमें करना क्या है, वही जो सेम करते आ रहे हैं। मान लो हमें दे रखा है √x(√x)√x(x)(x)(x). दोस्तों हमें ये दे रखा है कि हमें चार टाइम तक यानी चार करणियों का मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, यानी हमें लिमिट क्रॉस नहीं करनी है, चार तक ही जाना है, चार के बाद नहीं जाना है। तो दोस्तों उसके लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी होती है, एक्स की वैल्यू। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बस याद रखना है एक्स की पावर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, अरे यार क्या हो जाएगा,
एक्स की पावर, एक्स की पावर हमारे पास क्या होगी, एक्स की पावर, एक्स की पावर फॉर्मूला होता है 2 into 2 एक्स की पावर 2 में 2 का उतनी बार गुणा जितनी बार करणी डी हो, और माइनस का 1 डिवाइड बाई 2 में 2 का उतनी बार गुणा जितनी बार करणी दी हो। दोस्तों ये हमारे पास एक फॉर्मूला है, यानी एक्स की पावर, एक्स की वैल्यू फाइंड करना है, हमें लिमिट दे रखी है, सीमित सीमा दे रखी है, कुछ नहीं करना, बस देखना। मैंने तुम्हें बताया कि एग्जांपल क्या है क्या नहीं है, फॉर्मूला क्या है क्या नहीं है। दोस्तों किसी करणी का सीमित सीमा तक गुणा दिया हो तो हमें उसके लिए ये फॉर्मूला लगाना पड़ता है, जिसमें 2 में 2 का उतनी बार गुणा, 2 में 2 का उतनी बार गुणा जितनी बार करणी दी हो, 2 में 2 का उतनी बार गुणा जितनी बार करणी दी हो, और 2 में माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 में 2 का उतनी बार गुणा जितनी बार करणी दी हो। मान लो हम एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे पास एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल ले लिया 4 root 4 root 4 root 4। दोस्तों क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 4 टाइम तक दे रखा है, 3 टाइम 5 टाइम कुछ भी दे रखा है, हम करेंगे सीधा 4 की पावर क्या हो जाएगी हमारे पास, 4 की पावर 2 में 2 का गुणा उतनी बार करणी दे रखी हो, 2 में 2 इंटू क्या बार करणी दे रखी है, 1 2 3 4 चार बार करणी दे रखी है, तो 4 बार 2 में 2 का गुणा करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस के 1 डिवाइड बाई क्या करना है 2 उतनी बार इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। दोस्तों कुछ नहीं है, बस हमें ये देखना करणी कितने की दे रखी है, 4 की करणी दे रखी है, तो 4 की पावर क्या लगा देंगे 2 इंटू 4 टाइम 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 माइनस के 1 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 4 की पावर 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 में से क्या, तो 15/16 हमारे पास आंसर क्या आ गया 15/16। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था, या हम उसको और सॉल्व करना चाहें तो और सॉल्व करते हैं, 2 की पावर क्या हो जाएगा ये 15/8, हमारा आंसर क्या आ गया 15/8। दोस्तों कुछ नहीं है, बस समझना है सोचना है क्या है क्या नहीं है। दोस्तों मैं एग्जाम्पल कराता हूँ, इस पर क्वेश्चन सॉल्व भी कराता हूँ। बात करता हूं क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस किस प्रकार से पूछे जाते हैं किस प्रकार से नहीं। दोस्तों ये 3 फॉर्मूले इंपॉर्टेंट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बाकी सब तो आप जानते हो कि किसी की पावर लगा दी ऐड हो गई या गुणा में सम हो गई, यानी किसी का आधार सेम है, पावर लगी हुई है तो वो क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, बस ये है किसी की पावर किसी कितने भी यानी 2 4 6 किसी का मल्टीप्लीकेशन देखा उसकी पावर सेम है तो वो कोष्टक लेने के बाद भी सेम हो जाती है। दोस्तों कुछ नहीं करना है, देखो आगे यहाँ पर भी वही करना है जो करते आ रहे हैं। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चंस की, क्वेश्चंस किस प्रकार से हमसे पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन पहली एग्जांपल मैंने तुम्हें बता दिए, मान लो हमें दे रखा है 5 की पावर 1/4 × 125 की पावर 0.25, हमें एग्जाम्पल क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन दे रखा है, कुछ नहीं है। दोस्तों आपको मैंने पहले ही बताया था कि करना क्या है क्या नहीं करना है, दोस्तों वही करना है जो अब तक करते आ रहे हैं, दोस्तों वही करना है जो अब तक करते आ रहे हैं। क्या करना है इसका, 5 की पावर 1/4 दे रखा है, 1/4 क्या हो सकता है 0.25 ले सकते हैं, इंटू इसको किस में तोड़ सकते हैं 5 × 5 × 5 की पावर 0.25, कुछ नहीं करना है, 5 की पावर इसे 0.25 इसे भी लिख सकते हैं, इंटू 5 की पावर क्या हो जाएगी 3 × 0.25, यानी यहाँ पर कितने 3
फाइव की पावर 3 × 0.25। तो दोस्तों कुछ नहीं है, क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, बस इसको 125 को तोड़ा, 125 को तोड़ के 5 यानी 5 की पावर 3 में 3 का हमने इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, 25 × 75, 5 की पावर 0.25 × 5 की पावर 25 × 75 0.75। मैंने क्या कहा था, अगर किसी संख्या का बेस यानी आधार, आधार अगर सेम है, समान है, यानी आधार अगर सेम है तो वो संख्या जिनकी पावर होती है वो हमारी प्लस हो जाती है, यानी 5 की पावर क्या हो जाएगा 0.25 + 0.75। हमारे पास आंसर क्या आ गया, 5 की पावर 1 = 5, 5 की पावर 1 = 5 आंसर आ गया दोस्तों। कुछ था कुछ नहीं था, कितने सेकंड का था मुझे मालूम था, कितने 5 की पावर क्या होता है 0.25, मुझे सोचना है 5 की पावर क्या हो, 5 की पावर 1/4 क्या होता है 0.25, यानी 5 की पावर 0.25। 5 को किसमें तोड़ लेंगे, इसको 125 को 5 की पावर 3 में, 25 × 75 यानी 0.75, 5 की पावर 0.25 + 0.75 क्या हो जाता है 5, 1, तो 5 की पावर 1 यानी आंसर 5, सेम पॉइंट। दोस्तों कुछ नहीं है, बहुत इजी, बहुत सिंपल है दोस्तों। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करता हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल लेता हूं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम, और क्वेश्चन पे बात करते हैं, हमारे पास और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, क्वेश्चन लेता हूं हमारे पास आज का क्वेश्चन ये है, कोई भी ले लो 0.000 कितने 1 की पावर 0.25 हमें इतना दे रखा है, की पावर 0.25 दे रखा है दोस्तों। करना क्या है, वही जो अब तक करते आ रहे हैं, देखो करना क्या, कुछ भी तो नहीं करना है दोस्तों। ये तो हम भी जानते हैं कि ये क्या दे रखा है, क्या नहीं, ये तो हम भी जानते हैं क्या दे रखा है, यानी ये दे रखा है 0.00001/1। तो हमें इस पॉइंट को हटाने के लिए, दशमलव को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/1, 1, 2, 3, 4, 4 जीरो नीचे लगा देंगे, 4 जीरो की पावर 0.25। दोस्तों कुछ था कुछ नहीं, हमें क्या करना है, हमें इसको किसमें तोड़ सकते हैं, 10 × 10 × 10 × 4 × 10 कर ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 1/10 की पावर क्या हो जाएगा 4 की पावर क्या हो जाएगा 0.25। किसी संख्या की पावर की पावर होती है वो मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, 1/10 की पावर क्या हो जाएगा 25 × 100 यानी 1 क्या हो जाएगा आंसर हमारे पास 1/10 = 0.1 आंसर। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था, कितनी सेकंड लग रही है इसे मैं जानता हूँ, ये इसे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, 1/10000 लिख सकता हूँ, 10000 × 10^4 भी लिख सकता हूँ, उस 4 का 0.25 में मल्टीप्लीकेशन किया, क्या आया 1, 1 निकल के आया, किसी संख्या की पावर 1 आती है वो सेम रहती है, वही रहती है, 1/10 ले गया, 1/10 को 1 में 10 से डिवाइड की मल्टीप्लाई को डिवाइड किया, क्या आंसर पर 0.1 आंसर। दोस्तों नेक्स्ट है क्वेश्चन, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, क्वेश्चन और भी लेता हूं, क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन और भी, क्वेश्चन पूछ लिया हमसे, हमसे पूछ लिया कुछ भी ले लो, 2 की पावर 3x + 1 = 16। दोस्तों कुछ नहीं करना, हमें बेस बनाना है, बेस सेम आ रहा है यानी इक्वल में दे रखा है, हम इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, इस सूत्र को क्या लिख सकते हैं, 16 = 2 × 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 8, 8 × 2 = 16, क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 4 लिख सकते हैं दोस्तों, क्या किया वही किया, 2 की पावर 3x + 1 = 2 की पावर 4, बेस समान है और इक्वल में दे रखी है, बेस समान है यानी आधार समान है और इक्वल में दे रखी है, तो हमारे पास इसका क्या करेंगे, दोनों तरफ से इक्वलिटी लेंगे, तो क्या आएगा 2 की सेम ये तो हमारा हट ही जाएगा, तो 3x + 1 = हमारे पास क्या बचा 4, 3x + 1 = 4। तो दोस्तों कुछ नहीं है, करना क्या है वही, 3x = 3 और हमारे पास x = 1 आंसर। दोस्तों कुछ था कुछ भी नहीं था, कितना ही बस हमें यहाँ पर क्या पूछा था, x की वैल्यू ज्ञात करना, x का मान ज्ञात करना, दोस्तों कुछ नहीं है, बस हमें एग्जांपल दे रखा है, ये एग्जांपल यानी ये क्वेश्चन दे रखा है, 2 की पावर 3x + 1 = 16, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ था 2 की पावर 16 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4, जिनका बेस समान है उसमें पावर भी क्या हो जाती है, इक्वल में आ जाती है, बेस समान यानी आधार समान है तो पावर क्या होगी हमारे पास सेम, बराबर में आ गई, पावर बराबर में आने पर हमें एक्स की वैल्यू मालूम पड़ गई, दोस्तों हमारा आंसर हो गया, प्रूव कर लो यहाँ 2 की वैल्यू रख लो वही निकल के आएगा 4 यानी 16। दोस्तों अब नेक्स्ट लेते हैं हम, नेक्स्ट एग्जांपल,
करड़ी वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे, करड़ी वाले एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए थे। अब बात करता हूँ मैं दोस्तों, क्वेश्चन दे रखा है, मैं क्वेश्चन दे रखा फाइव रूट टू प्लस के थ्री रूट टू। दोस्तों करना क्या है, यहाँ तो हमें वैसे ही मालूम है ये रूट टू आ रहा है, ये रूट टू आ रहा है, यानी संख्या सेम है, प्लस हो जाएगी, सेम हमारे पास रूट टू आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा पांच सौ एट रूट टू। या हम ऐसे भी कर सकते हैं रूट टू कॉमन ले लो, यानी हमने क्या किया रूट टू को कॉमन ले लिया, पांच प्लस के तीन बचा, इक्वल टू में क्या आ गया एट रूट टू हमारे पास आंसर निकल के। दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम्पल लेता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कुछ नहीं था उसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया हमने पचास प्लस के अठानवे प्लस के बहत्तर, बहत्तर, यानी इसका सिंप्लीफिकेशन करो, सिंप्लीफिकेशन करो तो कुछ नहीं है दोस्तों, इसका हम क्या कर सकते हैं पच्चीस सॉरी इंटू टू सॉरी नहीं यानी फाइव इंटू टू प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 98 को, 98 को क्या लिख सकते हैं हम सेवन इंटू टू, यानी सात उन्नीस चौदह, चौदह सत्तर अठानवे प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं सिक्स इंटू सिक्स, छिचन छत्तीस, छत्तीस दूनी बहत्तर, यानी सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू सिक्स इंटू टू। दोस्तों हमने लिख लिया, हम जानते हैं कि संख्या की पावर रूट में दे रखी हो, यानी किसी इसका परफेक्ट स्क्वायर है, पूरा स्क्वायर बन रहा है, तो संख्या तुम्हारी सेम निकल आ जाएगी, यानी यहाँ क्या हो जाएगा फाइव का स्क्वायर, फाइव का स्क्वायर इंटू टू प्लस सेवन का स्क्वायर इंटू टू प्लस अंडर रूट सिक्स का स्क्वायर इंटू टू, तो क्या हो जाएगा ये तो क्या हो जाएगा फाइव रूट टू बचेगा प्लस सेवन रूट टू बचेगा प्लस सिक्स रूट टू बचेगा। दोस्तों वही जो पहले किया था पांच हजार छह, यानी हमने या तो रूट टू को कॉमन ले लो, तो पांच प्लस छह प्लस के सात क्या बचा हमारे पास दोस्तों, हमारे पास आंसर आ गया पांच छह ग्यारह सात अठारह रूट टू। या हम डायरेक्ट कर सकते हैं, कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट कर सकते हैं हम इसे देख के, डायरेक्ट करने के बाद पांच और सात, पांच और सात कितने हो गए बारह, बारह छह अठारह रूट टू आंसर हो गया। दोस्तों हमें कुछ नहीं करना, बस देखना कि कितना सिंप्लीफिकेशन हो सकता है कितना नहीं। दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या था इसमें कुछ भी नहीं था, बस हमें आना चाहिए कैसे करना क्या, मैं ये नहीं करता, ये मैं ना तो इस स्टेप को करता ना इसको, डायरेक्ट आता तो यहाँ पर यह आंसर था, बस देखता पचास पच्चीस दूनी पचास, पांच का स्क्वायर रूट टू, रूट टू के अकॉर्डिंग तोड़ लेके बस वही करना है, इसको डायरेक्ट ही करते हैं क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले दूं मैं, और एग्जाम्पल लेता हूँ, यानी और क्वेश्चन लेता हूँ, क्वेश्चन गुणा पर आगे मान लो फाइव इंटू रूट सेवन इंटू रूट थ्री, ये दे रखा है हमें। दोस्तों कुछ नहीं करना है, हम जानते हैं इनका सिंपल मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, अंडर रूट में ले लो सारी संख्या को, फाइव इंटू सेवन इंटू थ्री, गुणा में जितनी संख्या दे रखी होती है अंडर रूट में, गुणा में संख्या उन्हें अलग अलग भी मल्टीप्ले उसका अंडर रूट लगा करके भी लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा पांच सौ पैंतीस, पैंतीस किया कितना होता है पैंतीस पंद्रह तीन सौ नौ, यानी एक सौ पांच रूट एक सौ पांच आंसर आ गया। दोस्तों क्या था कुछ भी नहीं था, मान लो हमें दे रखा है रूट थ्री फाइव इंटू रूट थ्री फाइव इंटू रूट थ्री थ्री, हमें इतना दे रखा, मैंने क्या कहा अगर गुणा में दे रखा है, गुणा में दे रखा है तो उनका सिंपली गुणा हो जाता है, तो क्या हो जाएगा रूट थ्री फाइव इंटू फाइव इंटू थ्री पचम पच्चीस की पिचहत्तर, हमारे पास क्या आ जाएगा पिचहत्तर रूट थ्री, रूट थ्री पिचहत्तर, हमारे पास आंसर क्या आ गया ये सेवेंटी फाइव आंसर निकल के आ गया हमारे पास। ऐसे ही अगर प्लस में दे रखा है, मानो रूट थ्री प्लस के फाइव सॉरी फाइव प्लस के रूट थ्री, ये दे रखा है हमें, ये दे रखा है दोस्तों, तो हम इसमें मल्टीप्लीकेशन ये वाला फॉर्मूला नहीं लगा सकते दोस्तों, इसको हमें पूरी वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, तब हमें ऐड करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्या था कुछ भी नहीं, बहुत ईजी बहुत सिंपल। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, फिर हमारा चैप्टर खत्म होता है, नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे फिर अगला। तो हमने कोई क्वेश्चन ले लिया, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, मान लो अंडर रूट फाइव प्लस के फाइव प्लस के टू रूट सिक्स,
फाइव प्लस के टू रूट सिक्स, फाइव प्लस के टू रूट सिक्स। दोस्तों हमारे पास ये एग्जाम्पल दे रखा है, हमें करना क्या है? कुछ नहीं, बहुत वही करना है जो हमेशा से करते आ रहा है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें ये सॉल्व करना, हमें नहीं मालूम कैसे होगा। दोस्तों प्रैक्टिस करोगे तो सब कुछ होगा, नहीं तो कुछ भी नहीं होगा। मान लो हमें क्या दे रखा है, इसे हम थ्री प्लस के टू में तोड़ सकते हैं, प्लस थ्री प्लस के टू में प्लस टू रूट थ्री इंटू रूट टू में तोड़ सकते हैं इसे। इस रूट सिक्स को, रूट सिक्स को हमने किसमें तोड़ा, रूट थ्री इंटू रूट टू में, रूट थ्री इंटू रूट टू में हमने वही किया। मान लो इसे क्या लिख सकते हैं, रूट थ्री का स्क्वायर प्लस रूट टू का स्क्वायर प्लस के टू रूट थ्री इंटू रूट टू। हमारे पास ये फॉर्मूला किसका बन के आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के टू ए बी। हमारे पास वैल्यू क्या बची दोस्तों, रूट रूट थ्री प्लस के रूट टू का स्क्वायर। हमारे पास आंसर क्या आ गया, रूट थ्री प्लस के रूट टू आंसर निकल के आ गया। दोस्तों क्या था, कुछ भी नहीं था, बस हमें देखना था, सोचना था क्या है क्या नहीं है। हमें रूट सिक्स आ रहा है, रूट सिक्स कब आएगा, या तो थ्री इंटू टू या टू इंटू थ्री हो। हम टू इंटू थ्री कर सकते हैं, और फाइव को किसमें तोड़ सकते हैं, थ्री इंटू टू में। अगर रूट की पावर स्क्वायर दे रखी है तो रूट हट जाता है, सेम रह जाता है। दोस्तों इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कुछ था बस सोचने समझने। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं होगा, प्रैक्टिस करोगे तो बहुत अच्छे से होगा, बहुत बेटर तरीके से होगा। हम नेक्स्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, हम नेक्स्ट एग्जांपल, हमसे पूछ लिया कुछ क्वेश्चन देकर के, कुछ नहीं है दोस्तों, बस प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। हमसे पूछ लिया नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया, हमें क्वेश्चन दे दिया। मान लो कुछ क्वेश्चन है, मान लो थ्री रूट थ्री टू रूट थ्री इंटू में, हाँ थ्री फोर। दोस्तों हमारे पास ये संख्या दे रखी है, इसका हमें क्या करना है, वैल्यू फाइंड करनी है। वैल्यू फाइंड करने के लिए यानी इसमें हमें बतानी है छोटी संख्या कौन सी है, छोटी संख्या कौन सी है। तो दोस्तों कुछ नहीं है, हमें ये देखना है मूल, घनमूल या वर्गमूल क्या दे रखा है क्या नहीं, उनमें कौन कौन सी संख्या है। ये हमें घनमूल दे रखा है, ये वर्गमूल दे रखा है, ये घनमूल दे रखा है, यानी पहला घनमूल, वर्गमूल, घनमूल। वर्गमूल में, घनमूल में कितनी होती है, तीन। वर्गमूल में दो तीन, हमें तीन दो तीन, यानी यहाँ पर दो, तो तीन दो तीन का हमें क्या करना है, तीन दो तीन का एलसीएम, तीन दो तीन का एलसीएम। हमारे पास एलसीएम क्या हो जाएगा, सिक्स। दोस्तों कुछ नहीं करना है हमें, बस सेम करना है। देखो क्या करना है, हमें ये दे दिया रूट थ्री टू, रूट थ्री टू, हमें एलसीएम सिक्स दे रखा, हमें इतना याद रखना है एलसीएम सिक्स दे रखा। तो सबको क्या करेंगे, सेम कंडीशन में बनाएंगे, सेम कंडीशन में जब हम बनाएंगे तो हमें वैल्यू फाइंड हो जाएगी। थ्री को किस में बना सकते हैं, टू में। तो हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, इसे क्या कर सकते हैं, तो तीन दूरी सिक्स रूट टू का स्क्वायर कर सकते हैं, सिक्स रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सिक्स रूट टू का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये संख्या निकल के सिक्स रूट फोर। ऐसे ही हम खा लेते हैं टू रूट थ्री, इसे भी सिक्स के बेस में लाना है, तो सिक्स रूट थ्री का क्या हो जाएगा, ये क्यूब, क्योंकि हम टू में थ्री का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, यानी थ्री टू इंटू, हम क्या कर रहे हैं, टू इंटू थ्री रूट थ्री की पावर थ्री। तो क्या आ जाएगा हमारे पास दोस्तों, फिर क्या आ जाएगा, सिक्स रूट, सिक्स रूट में क्या आ जाएगा, सिक्स रूट 27। दोस्तों नेक्स्ट लेता हूं थ्री रूट, थ्री रूट फोर, थ्री रूट फोर को हम क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू टू, सेम बनाना है हमें, बेस यानी आधार क्लियर करना है, इसका आधार और पावर सेम करनी है, तो फोर का स्क्वायर। तो दोस्तों क्या हुआ, ये सिक्स रूट बार है। हम अब ये देखेंगे छोटी संख्या, हमारे पास ये छह आ गए, ये छह आ गए, ये छह आ गया, हमें यही देखना था कि छह कौन सा आ रहा है। तो दोस्तों हमें मालूम पड़ गया कि हमारी छोटी संख्या कौन सी निकल के आ गई, दोस्तों हमारी छोटी संख्या ये वाली आ गई, छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या आ गई हमारे पास, सिक्स रूट फोर, यानी इसको क्या लिख रहा है हमारे पास, थ्री रूट टू, आंसर क्या आ गया, थ्री रूट टू आंसर। बहुत अच्छे से दोस्तों इतना ही कहूंगा, प्रैक्टिस है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। दोस्तों प्रैक्टिस करने से ही होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो प्रैक्टिस सबसे ज्यादा मेन है, सबसे बेनिफिशियल है। कुछ भी था, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में, कुछ भी कैसा भी। तो दोस्तों प्लीज, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो।
दोस्तों हम नेक्स्ट टॉपिक और नेक्स्ट चैप्टर अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। आज के लिए हमारा घातांक एवं करणी खत्म हुआ है। आज घातांक एवं करणी खत्म हुआ, उस पर मैंने क्वेश्चन भी करा दिए, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से। दोस्तों अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट चैप्टर के साथ में या नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तो दोस्तों प्लीज दोस्तों इतना कहूंगा यार, अब तक सब्सक्राइब ना किया प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर ना समझ में आ रहा है या कुछ है तो प्लीज। और सर मैं बात करूंगा, मैं पीडीएफ बहुत जल्दी से प्रोवाइड करने वाला हूँ, जितने भी चैप्टर हो गए उनमें से क्वेश्चन उठा करके, जो आपके लिए हमेशा यूजफुल रहेंगे कि ये क्वेश्चन बस पीडीएफ पढ़ना है आपको, ना कोई बुक लेने की जरूरत ना कुछ, पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ, देखो एग्जाम कैसे नहीं होता है। पीडीएफ बहुत जल्दी प्रोवाइड करवाने वाला हूँ चैप्टर वाइज चैप्टर वाइज। तो दोस्तों कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है, सब कुछ है, प्रैक्टिस करो यार, मैं भी कर रहा हूँ, आप भी करो, साथ में मिलकर करते हैं, बिल्कुल करते हैं, आओ तो सही करते हैं, बिल्कुल अच्छे तरीके से करते हैं। तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, वो जरूर करते हैं। और दोस्तों कुछ भी नहीं, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।